आईपीयू की 141वीं बैठक के चौथे दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्बिया की प्रधानमंत्री आना बर्नाबिच से मुलाकात की। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने सर्बिया की सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बेलग्रेड जैसे सुंदर और छोटे शहर में दुनिया भर के प्रतिनिधियों के ठहरने, खाने और सुरक्षा की व्यवस्था काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि अंतर संसदीय संघ की बैठक के हर कार्यक्रम का इतनी सफलता के साथ आयोजन कर सर्बिया की सरकार और प्रशासन ने अपनी कुशलता का परिचय दिया है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आप इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा संसदीय शिष्टमंडल यहां पर आईपीयू की मीटिंग में भाग लेने आया। इस सुंदर, आकर्षण और बेहतरीन शहर में आपकी अगवानी करते हुए अच्छा लगा। मैं सर्बिया गणराज्य सरकार को, यहाँ की नेशनल असेंबली को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक भव्य आयोजन किया। मुलाकात के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौरान भारत और सर्बिया के बीच बनी पारंपरिक घनिष्ठता पिछले 2-3 वर्षों में और प्रगाढ़ हुई है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर सर्बिया के स्कूलों में गांधी जी के जीवन और विचारों पर वार्ताओं का आयोजन हुआ। बेलग्रेड सिटी में वृक्षारोपण और साइकिलिंग इवेंट हुआ। इतना ही नहीं, यहां एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। इस सहभागिता के लिए लोकसभा स्पीकर ने भारत की तरफ से सर्बिया की प्रधानमंत्री आना बर्नाबिच का धन्यवाद किया। सर्बिया की प्रधानमंत्री से मुलाकात के पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्बिया के स्पीकर माया गोयकोविच से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने सर्बिया के स्पीकर को आईपीयू की 141वीं बैठक के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। इस मुलाकात के दौरान भारत और सर्बिया के बीच राजनयिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को समसामयिक मुद्दों पर परस्पर समर्थन और सहयोग का भी आश्वासन दिया। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। इस मुलाकात के दौरान वरिष्ठ सांसद शशि थरूर भी मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए बेलग्रेड सर्बिया से आशीष जोशी की रिपोर्ट।